नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेडिकिट्स पे। आज के वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करेंगे ग्राइप वाटर के बारे में। जानेंगे कि बच्चों को इस ग्राइप वाटर को पिलाना क्यों आवश्यक होता है, कौन कौन सी स्थिति में हमको ग्राइप वाटर पिलाना चाहिए बच्चों को, क्या इसके डोज होने चाहिए और कौन इसको पिलाते समय हमें कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम ग्राइप वाटर की बात करते हैं, डाबर द्वारा मार्केटेड किया जाता है। यह एक आयुर्वेदिक औषधि होती है जो कि बच्चों को, छोटे बच्चों को पिलाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, जो कि बच्चा 1 से लेकर 3 साल तक के बच्चे इसको उपयोग में ला सकते हैं। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो 125 ml का जो ग्राइप वाटर होता है वह केवल 50 रुपये का आता है, जो कि आपको किसी भी नॉर्मल मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा या फिर किसी आयुर्वेदिक सेंटर पर भी ग्राइप वाटर आपको मिल जाएगा। अगर हम इसके मुख्य यूज की बात करें कि कौन सी बीमारियों में इसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, तो बच्चों में दांत निकलते समय जो पेट दर्द और पेट की अन्य तकलीफें होती हैं उससे राहत दिलाने में यह बहुत ही उपयोगी होता है। इसके अलावा जैसे पेट में अम्लता बन जाती है, पेट में गैस बनती है, अफरा होता है, ऐंठन होती है और इसके अलावा अपच जैसी समस्याओं में यदि लैट्रिन सही से नहीं हो रहा है बच्चों में तो भी इस ग्राइप वाटर को पिलाने से बहुत ही जल्दी उससे आराम मिलता है। अगर हम इसके डोज की बात करें कि डोज क्या क्या हो सकता है, तो इसमें डोज लिखा हुआ है 1 से लेकर 6 माह तक के जो बच्चे होते हैं उनको 2.5 से लेकर 5 ml तक पिलाया जा सकता है। इसके अलावा 6 माह से लेकर 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको 5 से 10 ml तक इस ग्राइप वाटर को पिलाया जाता है और 1 साल से अधिक जो बच्चे होते हैं उनको 10 से लेकर 15 ml तक पिलाना चाहिए। अगर हम बात करें कि इस सिरप को पिलाते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए ग्राइप वाटर को पिलाते समय, तो एक बार हम इसके खोल के पैकेजिंग देखते हैं किस प्रकार होता है। तो इस प्रकार का आपका डाबर का ग्राइप वाटर आता है। अगर हम बात करें कि क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, तो जिन बच्चों को ठंड के मौसम में सर्दी होती है, खांसी होती है, तो उनको इसका नहीं पिलाना चाहिए। इसके अलावा जैसे बुखार जैसी कोई प्रॉब्लम है तो भी ग्राइप वाटर का उपयोग नहीं करना चाहिए। और यदि किसी बच्चे को यह सूट नहीं कर रहा है तो भी इस ग्राइप वाटर को स्किप कर देना चाहिए, उनको नहीं पिलाना चाहिए। और अगर फिर भी इसको लेने से कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको डॉक्टर को एक बार जरूर दिखाना चाहिए, उनके सलाह से ही पिलाना चाहिए। इसके अलावा ग्राइप वाटर से संबंधित किसी भी प्रकार की और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।